राम राम भक्तों, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नीम करोली बाबा डेली दर्शन में। भक्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी। भक्तों, बाबा जी की अनंत कथाओं की श्रृंखला में से एक सुंदर कथा आज आपको सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पल पल की खबर। श्री भुवन चंद तिवारी इंचार्ज रोडवेज स्टेशन नैनीताल बताते हैं कि घटना उस समय की है जब नदी पार कर कैंची आश्रम में आने के लिए बलियों का एक कच्चा पुल था। वे कई लोग महाराज जी के पास बैठे हुए थे। बाबा जी एकाएक बोल उठे, वह हनुमानगढ़ चला गया। वह कौन, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी कहने लगे, अभी यहीं आएगा, भूखा है, उसके लिए ताजी पूरी और सब्जी बनाओ। तिवारी जी को उन्होंने आदेश दिया, गैस का लैंप लेकर पुल पार खड़े हो जा और उस बूढ़े का हाथ पकड़कर अच्छी तरह पुल पार कराना, उसके लड़के उसका ध्यान नहीं रखेंगे। रात का अंधेरा छा गया था। एक कार से एक बूढ़ा और उसके दो लड़के उतरे। बूढ़े ने गैस लैंप लिए वहाँ तिवारी जी को खड़ा देख कर पूछा, क्या बाबा जी ने तुम्हें हमको लेने भेजा है? तिवारी जी के हामी भरने पर उनके नेत्र सजल हो उठे। दोनों लड़के इस बीच पुल पार कर गए थे। उन्हें अपने पिता को सहारा देने का ध्यान भी ना रहा। तिवारी जी ने संभालते हुए बूढ़े को पुल पार कराया और बाबा जी के पास ले आया। ये वृद्ध महाशय बाबा जी के चरणों में गिर गए। उनकी आंखों में आंसू बह चले, कंठ रुंध गया और उनकी देह पुलकित हो उठी। बाबा जी ने उन्हें गर्मा गर्म भोजन करवाया और अंत में प्रेम से विदा किया। ये थे श्री राम नारायण सिन्हा जी, अवकाश प्राप्त पुलिस अधीक्षक, जो उसी दिन अपने पुत्र के पास राजभवन नैनीताल आए थे। उन्होंने घर में इच्छा व्यक्त की थी कि वे महाराज जी के दर्शन के बाद ही भोजन करेंगे। इस कारण उनके लड़के उन्हें हनुमानगढ़ ले गए और वहाँ से जानकारी प्राप्त कर वे उन्हें कैंची आश्रम ले आए थे। बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी। भक्तों, बाबा जी की कथाओं लीलाओं की अमृत वर्षा में भीगने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल बाबा नीम करोली डेली दर्शन में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप समय से बाबा जी की कथाओं का आनंद उठा सके। बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी।